दिवाली में हम सबके घर में अलग-अलग चिवड़ा जरूर बनता है, तो आज हम यहाँ पे नायलॉन पोहा चिवड़ा बनाएंगे। और ये जो चिवड़ा है वो बहुत ही हेल्दी है, जब भी हमें कुछ टी टाइम में खाना होता है तो इस तरह का चिवड़ा बना के रखते हैं, तो इसे हम एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए दिवाली स्पेशल नायलॉन पोहा चिवड़ा बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे 500 ग्राम जितना नायलॉन पोहा लिया है और इसे मैंने 2 घंटे के लिए धूप में रखा था और उसके बाद यहाँ पे इस्तेमाल किया है। जब भी हम ये पोहा को इस्तेमाल करते हैं तो इसे हमें छन्नी से छान के इस्तेमाल करना है। चेवड़ा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे हैवी बॉटम पैन ली है। अब पोहा को इसमें ऐड कर देंगे। जब भी हम नायलॉन पोहा चेवड़ा बनाते हैं तो हमें इसे रोस्ट करने के लिए हैवी बॉटम पैन का इस्तेमाल करना है, ताकि जो ये पोहा है वो जल ना जाए। अब इसे हम धीमी आंच पे कंटिन्यूसली मिक्स करते हुए इसे रोस्ट कर लेंगे, जब तक कि ये जो पोहा है वो एकदम क्रिस्पी बन के तैयार ना हो जाए। जैसे जैसे पोहा रोस्ट होता जाएगा वैसे वैसे पोहा का जो टेक्सचर है वो चेंज होता जाएगा। तो अभी थोड़ी देर के बाद आप देख सकते हैं कि जो पोहा का टेक्सचर है वो चेंज हो गया है। जब भी हम पोहा चिवड़ा बनाते हैं तो हमें ये पोहा को अच्छे से रोस्ट करना है। अब थोड़ी देर के बाद हम इसे चेक कर लेंगे, तो जो पोहा है वो आसानी से मसल जाता है, यानी कि परफेक्ट तरीके से रोस्ट हो गया है। तो गैस की फ्लेम बंद कर देंगे। अब नेक्स्ट हम चिवड़ा के लिए एक तड़का प्रिपेयर करेंगे। तो पैन में 100 ml जितना ऑयल ऐड करेंगे। ये जो ऑयल का मेजरमेंट है वो 500 ग्राम पोहा के लिए एकदम परफेक्ट है। जैसे ही ऑयल हल्का सा गर्म होता है इसमें हम आधा बाउल जितनी मूंगफली के दाने ऐड करेंगे और इसे हम मध्यम आंच पे 70% जितना फ्राई कर लेंगे। इसे हम पूरा फ्राई नहीं करेंगे क्योंकि बाकी के जब हम मसाला ऐड करेंगे तब तक ये जो मूंगफली के दाने हैं वो पूरे फ्राई हो जाएंगे। तो अभी आप देख सकते हैं कि जो मूंगफली के दाने हैं वो 70% जितने फ्राई हो गए हैं। तो इसी स्टेज पे हम इसमें थोड़ी सी ग्रीन चिली ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पे तीखी वाली ग्रीन चिली का इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास तीखी वाली ग्रीन चिली नहीं है तो यहाँ पे आप थोड़ी सी चिली की मात्रा ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। तो 6 से 7 जितनी ग्रीन चिली का मैंने इस्तेमाल किया है। अब इसे भी हम 50% जितना फ्राई कर लेंगे और गैस की फ्लेम स्लो रखेंगे। यहाँ पे हम सारे मसाले जो है वो एक साथ नहीं ऐड करेंगे, 1 by 1 ऐड करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो चिली है वो 50% जितनी फ्राई हो गई है। तो 3 tablespoon जितना चना दालिया आता है वो ऐड करेंगे। इसमें आप मूंगफली के दाने और चना दालिया की मात्रा अपने टेस्ट अकॉर्डिंग टू कम और ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, 15 से 20 जितने करी लीव्स, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पे 3 चम्मच जितना रफली कट किया हुआ काजू लिया है, उसी के साथ 2 चम्मच जितनी रफली कट की हुई बादाम और 2 चम्मच जितना ड्राई कोकोनट। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। किशमिश को हम अभी ऐड नहीं करेंगे, जब लास्ट में हम गैस की फ्लेम बंद करेंगे तभी हम इसे ऐड करेंगे। अब नट्स को हम धीमी आँच पे 2 से 3 मिनट के लिए सैलो फ्राई कर लेंगे। कोई भी चिवड़ा हम घर पे बनाते हैं तो उसका जो मसाला होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, उसी से जो चिवड़ा होता है वो टेस्टी बनता है। अब 1 चम्मच जितना तेल ऐड करेंगे और उसी के ही साथ हम इसमें 1 चम्मच जितनी सौंफ ऐड करेंगे। इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जैसे ही ये अच्छे से मिक्स हो जाए तुरंत ही हम इसमें 1/2 चम्मच जितना हल्दी पाउडर ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब लास्ट में हम इसमें 2 चम्मच जितने किशमिश ऐड करेंगे और गैस की फ्लेम बंद कर देंगे। और जो ये तड़का है इसे हम तुरंत ही पोहा हमने रोस्ट करके रखा है इसके ऊपर ऐड कर देंगे। मेरे घर में तो ये दिवाली में तो बनता ही है, उसके अलावा हमें कुछ टी टाइम में खाना होता है तो मैं इस तरह का चिवड़ा बना के रखती हूँ। अगर आप भी इस तरह का चिवड़ा बना के रखते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। नायलॉन पोहा का जो चिवड़ा होता है इसे हम रोस्ट करके बनाते हैं, उसकी वजह से ये जो पोहा चिवड़ा है वो बहुत ही हेल्दी है। और इसमें हमने नट्स और मूंगफली के दाने ऐड किए हैं, उसकी वजह से बहुत ही हेल्दी और टेस्टी भी है। अब इसमें 1 चम्मच जितना नमक और चिवड़ा में हल्का सा खट्टा टेस्ट आए उसके लिए हम इसमें 1/4 teaspoon जितना साइट्रिक एसिड, यानी कि जो नींबू के फूल आते हैं वो ऐड करेंगे। और इसे हमें क्रश करके ऐड करना है। 4 से 5 चम्मच जितनी पीसी हुई शक्कर, साइट्रिक एसिड और जो शुगर पाउडर हमने इसमें ऐड किया है, उसकी वजह से ये जो चिवड़ा का टेस्ट है ना वो एकदम खट्टा मीठा आता है, तो बहुत ही टेस्टी लगता है। जब भी हम इसमें नींबू के फूल ऐड करते हैं तो इसे हमें सिल्वर टेम में कूट के ऐड करना है।
तो यहाँ पे हमारा नायलॉन पोहा चिवड़ा बनके तैयार हो गया है। आप देख सकते हैं कि इसमें बिल्कुल भी ज़्यादा ऑयल नहीं है, एक परफेक्ट मेज़रमेंट के साथ हमने बनाया है। ये जो पोहा चिवड़ा है इसे आप एयरटाइट कंटेनर में भर के 1 महीने के लिए स्टोर कर सकते हैं। जब भी आप ट्रैवलिंग करते हैं तो इस तरह के पोहा चिवड़ा बना के भी ले जा सकते हैं। ये जो पोहा चिवड़ा है वो बिल्कुल मार्केट जैसा ही घर पे बनता है, तो आप इस दिवाली पे ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा। अगर आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे ऐसे ही एक आसान सी रेसिपी के साथ दोस्तों।